बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इंटर बे 2020-21 आई एम कंटिन्यूइंग द लेसन स्पेसशिप वन फ्रॉम पेज नंबर 106 द बॉटम ऑफ द पेज फ्रॉम 106 विटनी एड आई कुडंट गेट देम ऑन माय सेट और मैं उनकी आवाज़ अपने सेट पे नहीं हासिल कर सका। हैरी ट्राई द टेलीविजन की बटन टेलीविजन का बटन की कोशिश करो। हैरी क्रॉसेस टू इट एंड रेप्स आउट। हैरी क्रॉस कर जाता है उसे और बटन दबाता है 1-2, 1-2, 1-2। देयर इज़ अ स्ट्रेंज साइलेंस अजीब खामोशी। ही रिपीट द कॉल साइलेंस वो कॉल रिपीट करता है मगर खामोशी। हैरी लुकिंग एट दिस हिज वॉच एंड ट्राइंग नॉट टू बी इन्फेक्टेड बाय विटनीज एंगजाइटी। अपनी घड़ी पे कलाई की घड़ी पे देखते हुए और कोशिश करते हुए कि विटनी की परेशानी का असर उस पर ना हो। कैथरीन सेड शी वुड बी श्योर टू कॉल अस कि वो यकीन हमसे कॉल हमें कॉल करेगी बिफोर वी लैंडेड उससे पहले कि हम लैंड करेंगे। सर मोहतरम चीयरफुली खुशी से शी विल वो हमें कॉल करेगी। विटनी विथ नो कन्विक्शन कोई एतराफ़ ना करते हुए। ये इस लुकिंग इन टू द पेरिस्कोप खुर्दबीन पे देखते हुए विल 7760 हैरी क्रॉसेस टू इट क्रॉसेस टू सिट ऑन हिज बैंक अपने बंक पे बैठने के लिए क्रॉस करता है हैरी। सो वी आर द फर्स्ट मैन इन द मून तो हम पहले आदमी हैं चांद पे उतरने वाले। आई कॉन्ट क्वाइट बिलीव इवन मैं यकीन भी नहीं सकता दैट आई एम वन ऑफ देम मैं उनमें से एक हूँ। When do we land? हम कब लैंड करेंगे? Will in about 10 minutes 10 मिनट के अंदर at the foot of Tycho Tycho पहाड़ी के दामन में। I think I had read this lesson before I am starting from the point at page number 108 because in the previous lecture I had completed this lecture till to 108 page from half of the page number 108. विल डेड ऑन द मार्क बिल्कुल निशाने पे सर मोहतरम। आई कैन टेक हर डाउन नाउ मैं भी उसे उतार सकता हूँ। विटनी आई एम गोइंग टू कॉल बेस ऑन माई फ़ोन मैं अपने फ़ोन पे कॉल करने वाला हूँ बेस से या ज़मीन से रब्ता करने वाला हूँ। ही गोज़ आउट थ्रू द नेरो डोर वो बाहर जाता है उसी तंग दरवाजे के ज़रिए छोटे से दरवाजे के ज़रिए। हैरी इन अ चेंज वॉइस अपने बदले हुए आवाज़ में विल व्हाट्स द मैटर विथ हिम क्या मसला है उसके साथ। Is anything going wrong? कोई चीज़ ख़राब हो रही है। विट नॉट विद द शिप जहाज़ के साथ तो कोई मसला नहीं है। शी इज़ परफेक्ट वो बिल्कुल सही है। आई डोंट मान नहीं मैं नहीं जानता। आई हैव नेवर सीन हिम लाइक बिफोर दिस बिफोर इस तरह मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ही ऑट टू बी एक्सल्टेंट इसे शानदार होना चाहिए। दिस इज़ द मोमेंट ऑफ हिज ट्रम्प ये उसके खुशी की घड़ी है। And he is worked 20 years और उसने काम किया है 20 साल। He has worked 20 years for it उसने 20 साल तक उसके लिए उसने काम किया है। किसने? प्रोफेसर विटनी है। हैरी एंड हाउ लॉन्ग हैव यू और तुमने कितना अर्सा काम किया है? Well 8 years 8 साल। But for me it has been the thrill of fascination of the job मगर मेरे लिए तो ये एक जज्बा था और जिसे काम करने का जादू था। एंड आई वर्किंग विथ हिम और उसके साथ काम करने का। ही इज़ नॉट ओनली ए जीनियस वो ना सिर्फ ज़हीन है यू नो आप जानते हो ही इज़ अ ग्रेट मैन वो एक अजीम इंसान है। बट ही इज़ हैज़ हैड समथिंग ड्राइविंग इन मगर कोई ना कोई चीज़ उसे परेशान कर रही है। समथिंग फार मोर इंसिस्टेंट देन ही इज़ पेशेंट कोई ज़्यादा गंभीर उसके जज्बे से भी फॉर साइंटिफिक डिस्कवरी साइंसी दरियाफ्त के लिए। दो दैट्स स्ट्रांग इन हालांकि ये काफ़ी मजबूत उसकी ख्वाहिश है। आई फेल्ट इट इन हिम मैंने ये चीज़ महसूस की है उसमें फॉर ईयर्स कई सालों से। अब बट आई नेवर हैव्ड एनी आइडिया मगर मुझे कोई ऐसा ख्याल या ऐसी सोच न थी ऑफ वाट इट वॉज टिल लेटली कि वो क्या था यहाँ तक थोड़ा अर्सा पहले। फॉर द फास्ट 12 मंथ्स गुज़िश्ता 12 महीनों से ही हैज़ बिन वर्किंग डेस्परेटली अगेंस्ट टाइम वो अपने वक्त से ज़्यादा काम कर रहा है हतल इम्कान कोशिश कर रहा है या अपने ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खर्च कर रहा है। डेस्परेटली अगेंस्ट टाइम मीन्स अपना आराम भी कुर्बान कर रहा है। ही मूव्स हिज लीवर्स अपने लीवर्स को जुम्बश देता है।
Harry by what? But what? But why? मगर क्यों? Will. Continuing his own train of thought, अपनी सोचों के सिलसिले को जारी रखते हुए, continuing his own train of, train means sequence of thought, अपनी सोचों के सिलसिले को जारी रखते हुए, the moon's only a stepping stone, चांद तो सिर्फ पहली सीढ़ी है, stepping stone means पहली सीढ़ी, कदम रखने की जगह, this is only a practice run, ये तो सिर्फ मश्क है, ये हमारी दौड़ या ये हमारी कोशिश जो है ये सिर्फ मश्क है. इस मार्स एंड वीनस दैट ही इज़ रीचिंग आउट टू, असल में तो मरीख और वीनस है जहाँ पे वो पहुँचने की कोशिश कर रहा है. एंड परहैप्स फार बियॉन्ड, और शायद उनसे भी आगे. ही विल वावे थ्रू द सोलर यूनिवर्स, वो सफ़र करेगा पूरे सोलर कायनात में. टिल ही फाइंड्स वाट ही इज़ सीकिंग, जहाँ जब तक वो तलाश नहीं कर लेता जो वो तलाश कर रहा है, मालूम नहीं कर लेता जो वो तलाश कर रहा है. You have seen the new ship, तुमने नए जहाज को देखा है. Harry, she is prodigious, वो शानदार है, उसकी कोई मिसाल नहीं है. Will, she has brought this his specification to the shop. When he brought this his specification, से जब वो अपनी तफसीलात या अपनी ख्यालात दुकान पे ले आया, we couldn't believe them, हम उन पे यकीन नहीं रख सकते थे. We thought he had made some incredible mistake. हमने सोचा कि वो कोई ना समझ में आने वाली या ना यकीन करने वाली गलती कर चुका है या कर चुका था. But there she is, मगर वहाँ पे मौजूद है ये. Almost finished, तकरीबन पूरा मुकम्मल जहाज़ के लिए है. She will take 10 people, वो 10 लोगों को उठा सकता है. 12 animals, 1 दर्जन जानवरों को. Vast stores, वसी सामान. हर क्रूजिंग स्पीड, उसकी तेज़ रफ्तार, इज़ 100,000 miles an hour, कई हज़ारों मील फी घंटा. एंड हर रेंज ऑफ फ्लाइट, और उसकी उड़ने की परवास. डू यू नो हाउ ही स्पेंट द इवनिंग आफ्टर हिज शिप, दिस शिप, क्या तुम जानते हो किस तरह उसने अपनी दोपहर शाम गुजारी इस जहाज़ के पीछे. केम होम फ्राम हर फर्स्ट वावे, जब वो वापस आया था अपने पहले सफ़र से वापस, टू द मून, चांद के सफ़र से. हैरी, नो आई वाज विथ कैथरीन, नहीं मैं उस वक्त कैथरीन के साथ था. विल, पैसिंग राउंड एंड थ्रू द न्यू शिप, इधर उधर चकाल गोल चक्कर लगाते हुए या इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए और जहाज़ के अंदर से होते हुए, ट्वेन फ्रो कभी इधर उधर, ट्वेन फ्रो कभी इधर उधर, फॉर आवर्स, कई घंटों तक. And when he came away, और जब यह दूर हुआ, at last he chalked on the bow of her, उसने जहाज़ की कमान पर चॉकिंग की, लिखा, नूह सार खत, नूह अलैहिस्सलाम का बेड़ा. Harry sitting very still, Harry बिल्कुल जो अभी खामोश बैठा था, draws long deep breath, वो एक लंबी सांस लेता है और लंबी और गहरी सांस लेता है. He rubbed it out next morning, उसने अगली सुबह को वही चीज़ मिटा दी. Harry, then he thinks, तो फिर वो सोचता है, he does not finish, कि वो उसे ख़त्म नहीं कर सकता. Will meets his gaze steadily, अचानक सीधी वो अपनी नज़रें Will मिलाता है. Will, yes, he will never come back, हाँ वो कभी वापस नहीं आएगा. Harry, is he mad, क्या वो पागल है. Will, only in the sense that all geniuses are mad, सिर्फ इस सोच में कि सब ज़हीन पागल है. Harry, do you mean he is not quite normal? तुम्हारा मतलब है कि ये आम इंसानों जैसा नहीं है. Will, I mean that he is not quite average. मेरे कहने का मतलब है कि वो सरासरी लोगों की तरह नहीं है. A slight pause, हल्का सा वक्फा आ जाता है. Will you go with him? क्या तुम उसके साथ जाओगे. Harry, shifting uneasily, बेचैनी से अपनी साइड बदलते हुए, I, मैं तो जाऊँगा. Will you? क्या तुम जाओगे. Will, yes, हाँ. That has always, ये हमेशा रहा है. ही ब्रेक्स ऑफ टू कंसनट्रेट हिज अटेंशन ऑन द कंट्रोल बोर्ड, वो अपनी बात को ख़त्म करता है या बीच में ख़त्म करता है अपनी पूरी तवज्जा कंट्रोल बोर्ड पे लगाने के लिए. ही स्नैप्स अ स्विच, वो बटन दबाता है. एंड मूव्स द राइट हैंड लीवर अ लिटिल, और हल्का सा अपने दाएं हाथ वाले लीवर को जुमश देता है. लाइट फिलकस, रोशनी चमकती है. वंस अगेन, एक मरतबा दोबारा. ओवर हिज फेस, उसके चेहरे पर. एंड चेस्ट, उसके सीने पर. Well, अच्छा, I suppose we have always taken it for granted.
अच्छा, मेरे ख्याल में हमने इसे हमेशा आम ही समझा है, मामूली समझा है, दैट आई एम गोइंग, कि जहाँ मैं जा रहा हूँ या जो मैं करने जा रहा हूँ। हैरी विल ही आस्क मी, क्या वो मुझसे पूछेगा? विल, मिसेज विटनी एंड कैथरीन आर गोइंग, मिसेज विटनी और कैथरीन भी जा रहे हैं हैरी। सो दैट इज़ वाट शी वॉज गोइंग टू टेल मी, तो यही बात थी जो मुझे वो बताने की कोशिश कर रही थी। विल, यू नो वाट दे आर टू हिम, डोंट यू, तुम जानते हो वो इसके लिए क्या है, क्या तुम नहीं जानते? हैरी, सिंस आई हैव हैड कैथरीन, जब से मेरा वक्त कैथरीन के साथ गुजरा है, आई हैव बिगन टू रियलाइज, मैंने महसूस करना शुरू किया है, बट मगर द रोर इज थ्रोन ओपन, दरवाजे को धक्का दे के खोला जाता है या अचानक खोला जाता है, एंड विटनी एंटर्स वायलेंटली, और विटनी अचानक दाखिल होता है जज्बात में, हिज फेस इज डिस्ट्रॉटेड, उसका मुंह लटका हुआ है, ही इज पजेस्ड विथ फियर, वो खौफ से भरा हुआ है। विल, ग्लैंसिंग एट हिम, उस पर घूरते हुए, स्टीफन्स एब्रप्टली, अचानक वो सख्त हो जाता है, टेंशन में खड़ा हो जाता है, हैरी इज रिजिड, हैरी भी सख्त होकर खड़ा जाता है या टेंशन में खड़ा हो जाता है, विटनी टर्न्स शार्पली टू द टेलीविजन स्क्रीन, विटनी मुड़ता है अचानक टेलीविजन स्क्रीन की तरफ, एंड रेप्स आउट, और बटन दबाता है, रेप्स आउट द कॉल, और कॉल करने के लिए, अब कॉन्टेक्ट करने के लिए बटन दबाता है, 1-2, 1-2, 1-2, देयर इज़ अ ड्रेडफुल साइलेंट, एक अजीब खामोशी होती है, ही रिपीट द कॉल, वो कॉल को रिपीट करता है, 1-2 मीन्स 1 calling 2, ठीक है, वो मीन्स दो बेसिस हैं, एक बेस ज़मीन का, दूसरा बेस उनकी स्पेसशिप का, तो ये दोनों आपस में रबते करेंगे तो ये इसी तरह होगा, 1 calling 2, 1 calling 2 मीन्स अगर बेस वन शिप है और दूसरा जो है वो ज़मीन है, तो टू वो कहेगा 1 calling 2 मीन्स वन दो से रबता करने की कोशिश कर रहा है, अगर 2 1 से कॉल करेगा तो 2 calling 1 होगा, 2 calling 1, 2 calling 1, जिस तरह वायरलेस में पुलिस वाले या दूसरे एक दूसरे से अपने रबता करते हैं, तो उनके बेस के एक कोड होता है, उसे कोड के वसीले रबता करते हैं। विटनी लुकिंग फ्राम विल टू हैरी, देखते हुए विल से हैरी तक, स्पीकिंग इन हाई स्ट्रेंगल्ड वॉइस, और ऊंचे और लड़खड़ाते हुए आवाज़ से बात करते हुए, वैसे स्ट्रेंगल मीन से किसी को फंदा लगाना, किसी के गले में कोई रस्सी डाल के उसको फांसी देना, ये भी है, मगर स्ट्रेंगल वॉइस मीन्स यहाँ पे लड़खड़ाती हुई आवाज़, अटकी हुई आवाज़। नो साइन, कोई निशानी नहीं, एंड ऑल नाइट दे हैव बिन कैरिंग क्राइंग आउट टू मी, वो सारी रात मुझे बुलाते रहे हैं, मुझे पुकारते रहे हैं, जुडिथ एंड कैथरीन, जुडिथ और कैथरीन, हिज वॉइस ब्रेक्स, उसकी आवाज़ टूटती है, ही सेग्स, वो रोने लगता है या डूब जाता है रोने में, ससक में, एंड पुट्स आउट अ हैंड टू हिल्स विल्स शोल्डर, और अपना हाथ विल के कंधे पर रख देता है, टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, वो अपने आप को गिरने से बचाने के लिए, वी आर टू लेट विल, टू लेट, हम बहुत देर हो गए हैं विल, हम बहुत देर हो गए हैं। विल लुकिंग अप एट हिम एंड स्पीकिंग कॉमली, उसकी तरफ ऊपर देखते हुए, खामोशी से बात करते हुए, आसगी से बात करते हुए, आई नीड योर हेल्प विथ द नेविगेशन सर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है इस जहाज को चलाने के लिए। विटनी स्ट्रगल्स फॉर सेल्फ कंट्रोल, विटनी कोशिश करता है अपने आप से ज़ाब्ता करने की, ही वॉक्स लाइक एन ओल्ड मैन टू द पेरिस्कोप, वो चलता है इस बूढ़े आदमी की तरफ, खुर्द मैन की तरफ, एंड पियर्स इनटू इट, ओर्स में झांकता है, 89-56। विटनी स्पीकिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से बात करते हुए, मीन्स बहुत मुश्किल से उसकी आवाज़ निकलती है, 89-52। विल मूविंग द राइट हैंड लीवर, अपने दाएं हाथ वाले लीवर को झटका देते हुए, 89-52। वी डोंट लैंड ऑन दैट रिल, हम इसी रिल पे या आतिशफिशां पे नहीं उतरेंगे। डू वी सर, क्या हम यहाँ पे उतरेंगे? वुड यू लाइक हर बिटवीन द रिल एंड द लॉन्ग रे, क्या आप चाहेंगे कि हम इस जहाज को उस शुआव और उस आतिशफिशां के बीच में उतारें, आर टू द लेफ्ट ऑफ द रिल, या फिर उस आतिशफिशां के दाएं बाईं तरफ।
written he between them, इन दोनों के बीच में. आई सपोज वी मस्ट लुक एट द रे, हमें जरूर नजर रखनी चाहिए इस शॉप पे. ही इज रिगेनिंग हिज सेल्फ कंट्रोल एज हिज फियर गिव्स वे टू डिस्पेयर. उसका अपने आप पे कंट्रोल दोबारा बहाल होता है जैसे ही उसका खौफ तब्दील हो जाता है नाउमीदी में. ही इज रिगेनिंग हिज सेल्फ कंट्रोल, दोबारा हासिल कर रहा है अपने आप पे कंट्रोल. एज हिज फियर गिव्स वे, जैसे उसका खौफ तब्दील हो जाता है टू डिस्पेयर, नाउमीदी में. बट ही इज एन ओल्ड मैन, मगर वो अभी बूढ़ा इंसान है. चिल्ड, थका हुआ. एंड डिफीटेड, वैसे चिल्ड में से ठंडा यहाँ पे होगा, थका हुआ, टायर्ड. एंड डिफीटेड, और जैसे शिकस्त याफ्ता. द यंग मैन, नौजवान इंसान, इन्फेक्टेड बाय हिज फियर, जो इसके खौफ से मुतासर हुए हैं और स्ट्रगलिंग अगेंस्ट इट, वो उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, खौफ से बचने की कोशिश कर रहे हैं. हैरी, हाउ लॉन्ग टिल वी लैंड सर, कितनी देर में हम लैंड करेंगे मोहतरम. विटनी हेजिटेंट, थोड़ा हिचकिचाते. 5 मिनट्स ऑलरेडी, 5 मिनट या उससे भी कम. 89:54 विल 89:54 हैरी सीकिंग टू डाइवर्ट हिज माइंड, कोशिश करते हुए अपनी सोच को बदलने की, अपने ख्याल को बदलने की. एंड हाउ लॉन्ग टिल वी लैंड ऑन मार्स, और कितना अर्सा हमें लगेगा मरीख पे उतरने में. विटनी हिज वॉइस इवन नाउ बट डेड, उसकी आवाज़ तो अभी मौजूद है, वो बोल तो रहा है मगर जैसे मुर्दा. इफ़ यू हैड आस्क्ड मी दैट यस्टरडे, अगर यही सवाल तो मुझसे कल करते. आई शुड हैव सेड, तो मैं ये कहता 129 days, तो 129 दिनों में. बट दैट वॉज यस्टरडे, मगर ये कल की बात थी. टुडे, आज हिज वॉइस चेंजेस, उसका आवाज़ बदल जाता है. डू यू नो व्हाट डे इट इज़ हैरी, हैरी क्या तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है हैरी. द फर्स्ट ऑफ मई का पहला दिन. विटनी मे डे, मई का दिन. व्हेन आई वॉज एट ऑक्सफोर्ड, जब मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता था, दे यूज टू सिंग हाइम, वो गीत गाया करते थे. ऑन मैकडालन टावर, मैकडालन मनारे पे. आई रिमेंबर हाउ मैजिकल द ग्रीन शेडोज वर अलोंग द चेयर वेल, मुझे याद पड़ता कैसे जादुई सब्ज साए पड़ते थे उस नहर के साथ. एंड द निप इन द एयर, और एक नमी सी हवा में, नमी का होना हवा में, या हवा का नमी से भरपूर होना. एंड द वाटर वोल, और वाटर वोल परिंदा, दैट सेट अप टू वॉच माय पंट, जो ऊपर बैठा होता मेरी कश्ती को देखते हुए, मेरी पंट को देखते हुए, गो बाय, जो तैरती रहती. आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाई ही वाजंट अफ्रेड, मैं अक्सर हैरान होता हूँ कि वो इसे डरता क्यों नहीं था. दैट वॉज द मॉर्निंग, वो सुबह का वक्त था. आई मेट जूडिथ, जब मेरी मुलाकात जूडिथ से हुई. ही कैन स्माइल, अभी वो मुस्करा सकता है. शी अपसेट हर कैनोए, वो बड़ी परेशान अपनी छोटी सी कश्ती में, पाँव से चलाने वाली कश्ती में. एंड शी कुडंट स्विम, वो तैर भी नहीं सकती थी. आई फिश्ड हर आउट ऑफ द चेयर, मैंने खुशी से उसे उसकी कश्ती से उठा लिया. इंटू माई पंट, अपनी कश्ती में डाला. एंड गेव हर टॉयल्स, और उसे अपना टॉयल दिया. एंड हॉट काफ़ी, गर्म काफ़ी दी. आउट ऑफ थर्मास, अपने थर्मास से निकाल के. एंड टुक द कैनोए इन टाओ, और मैंने उसकी कश्ती को अपनी कश्ती से बांध लिया. वी कुडंट फाइंड हर पैडल, हमें उसके पैडल नहीं मिल रहे थे. आई मिस्ड टू लेक्चर्स दैट मॉर्निंग, उस सुबह मेरे दो लेक्चर मिस हो गए. वी गॉट एंगेज नेक्स्ट टर्म, अगले टर्म में हमने मंगनी कर ली. हैरी वाज शी एज वाज लाइक कैथरीन सर, क्या वो वैसे ही थी जैसी कैथरीन है मोहतरम. विटनी वेरी लाइक हर, बिल्कुल उसी की तरह. दे डोंट सिंग द मे डे हाइम नाउ, अभी वो मई के दिन पे कोई गीत नहीं गाया करते. दैट वॉज स्टॉप्ड ईयर्स अगो, ये चीज़ रुक गई है कई साल पहले. हैरी वेल यस, हाँ अच्छा हाँ, आई सपोज ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग मे हैव बिन यूजफुल वंस, मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें किसी ज़माने में अच्छी थी, बेहतर थी, मुफीद थी. विटनी अंडर हिज ब्रीथ, अपनी सांस लेते हुए, यूजफुल, मुफीद. हैरी दो आई डोंट सी हाउ, हालांकि मुझे मालूम नहीं किस तरह. बट वी हैड टू कीप अवर लीड, लेकिन हमें आगे बढ़ना है. डिडंट वी हैड टू कीप अवर लीड, हमें अपनी तरक्की को बढ़ाना था, हमें आगे बढ़ना था. डिडंट वी सर, क्या हमें नहीं बढ़ना था. एंड इफ द नेशन हैड गॉन ऑन वेस्टिंग टाइम ऑन
द आर्ट्स, अगर कौम ज़ाया करती रही अपना वक्त ऐसी चीज़ों पे, बट इन येस हाँ दैट इज़ पार्ट ऑफ द प्राइस वी हैव पेड, ये वो कीमत है जो हम अदा कर चुके हैं हेरी। वेल अच्छा, वी हैव कीप्ड अवर लीड हैवंट वी, हम अपनी रहनुमाई हम अपनी लीड ले चुके हैं, तरक्की कर चुके हैं इन एवरीथिंग, हर चीज़ में दैट मैटर्स जो अहमियत रखती है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन्स, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग बरक़ियाती दिमाग, जेट्स जहाज़, बायो केमिस्ट्री, सिंथेटिक फूड्स, टेलीविजन, रडार, रॉकेट्स, दिस इज लिटिल गन, ये छोटी सी बंदूक, दैट आई हैव ब्रॉट अलोंग जो मैं अपने साथ ले आया हूँ, इन केस वी मीट एनीथिंग नेस्टी, अगर हमसे कोई नापसंद वाली वाली चीज़ सामना हो जाता है आनमून चांद पे, इज अबाउट द फाइनेस्ट थिंग, ये बेहतरीन चीज़ है। ही स्टूप्स, वो झुकता है इंटेंडिंग टू गेट द गन आउट, अपनी बंदूक बाहर निकालने के लिए, फ्राम अंडर हिज बंक, अपने बिस्तरे से नीचे से, विटनी टर्निंग ऑन हिम इन अ बर्स्ट ऑफ फ्यूरी, बहुत गुस्से में उसकी तरफ मुड़ते हुए, गॉड इन हेवन, खुदा खैर करे, आर वी टू कैरी साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज मर्डर, क्या हम ये साइंसी तयशुदा कत्ल या कत्ल खाना उठाए ले रहे हैं, उठाए जा रहे हैं इनटू द होल यूनिवर्स, पूरी कायनात में, इज दैट द डेस्टिनी ऑफ मैन, क्या यही तकदीर है इंसान की। ही रिकवर्स हिमसेल्फ स्लोली एंड टर्न्स बैक टू द पेरिस्कोप, वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता संभालता है और खुर्दबीन की तरह मुड़ता है। विल अगेन इंटरवीनिंग जुडिशियसली, दोबारा बीच में बोलते हुए मुदाखलत करते हुए और अपने आप को अपनी मुदाखलत को सही समझते हुए, दैट स्मॉल क्रिएटर सर, ये छोटा सा क्रिएटर या आतिशफिशा, 2119 ऑन द गेट मरकज़ में, वी हैड बेटर नॉट लैंड इन इट, हमारे लिए बेहतर होगा यहीं पे ना लैंड करें, हैड वी क्या बेहतर होगा, विट नो नो मेक द लैंडिंग पॉइंट 2117, लैंडिंग पॉइंट अपनी 2117 पे रखो, चेक हर जहाज़ को चेक करो, 8948 विल 8948 विटनी क्लोज ऑल शटर, सारे शटर्स बंद कर दो। विल ये सर जी मोहतरम, ही स्नेप्स स्विच, बटन दबाता है एंड ब्लैक शटर स्लाइस डाउन स्विफ्टली, और एक काले रंग का शटर या दरवाज़ा नीचे हो जाता है तेज़ी से, आउटसाइड द विंडो, खिड़की से बाहर, कवरिंग इट कम्प्लीटली, और मुकम्मल तौर पर उसको ढांप लेता है। विटनी स्लोली टू हिमसेल्फ, आयसगी से अपने खुद से बात करते हो, डेस्टिनी ऑफ मैन, इंसान की तकदीर, टू हैरी, हैरी की तरफ, यूअर जनरेशन नोज नथिंग ऑफ वॉर, आपकी नस्ल जंग के बारे में कुछ नहीं जानती, बट आई रिमेंबर, मगर मुझे याद है, आई कैन जस्ट रिमेंबर द न्यूज़ पेपर्स ऑफ 1938, ये मैं याद रख सकता हूँ अखबार 1938 के एंड 39 और 39 के, एंड आई हैव वॉच देम फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, और गुज़िश्ता 2 सालों से मैंने उनको देखा है। विल श्योरली देयर इज नो कंपेरिजन, यकीनन उसमें कोई मुवाजना नहीं है। हैरी द इंटेंशनल एयर पुलिस एबॉलिश्ड वॉर, बैन अल-क़वामी हवाई पुलिस ने जंग को ख़त्म कर दिया। विटनी व्हाट हैज़ हैपेंड टू द इंटरनेशनल एयर पुलिस, बैन अल-क़वामी पुलिस से क्या हुआ है या उसके साथ क्या पेश आया। डियर स्टूडेंट्स, आई एम एंडिंग माई लेक्चर टू दिस पॉइंट, टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्राम दिस पॉइंट इंशाल्लाह। If you have any question, you must ask in the comment box. Yeah, write in the comment box. We will answer in the next lecture. Till this time, wish you best of luck.